ये कहानी है दो बेस्ट फ्रेंड की, जोम्बी एंड स्टीव। लेकिन ऐसा क्या होता है कि ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। एक बार स्टीव का बच्चा फुटबॉल खेल रहा था और वो बहुत जोर जोर से फुटबॉल में लात मार रहा था, और एक बार उसको गुस्सा आने के कारण वो बहुत तेज मारता है लेकिन उसकी फुटबॉल यहाँ से फेंक जाती है, बहुत दूर चल जाती है। तो स्टीव का बच्चा यहाँ पर उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है और एकदम से वो इधर फुटबॉल देखने लग जाता है। लेकिन फुटबॉल सामने होती है और जैसे ही फुटबॉल को उठाता है सामने से ही जोम्बी का बच्चा आता है और जोम्बी बच्चा डरा देता है। लेकिन जोम्बी बच्चा बहुत अच्छा था तो उसने उठाया और जोम्बी और दोनों स्टीव दोनों खेलने लग जाते हैं और बहुत अच्छे दोस्त बनने लग जाते हैं। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और अपने साथ हर बार हमारे साथ रहते थे। फिर यहाँ पर दोनों लुका छुपी खेल रहे थे। यहाँ पर दोनों लुका छुपी खेलने के बाद में जोम्बी यहाँ पर 1 2 3 4 गिनती बोलता है और यहाँ पर स्टीव पीछे देखता है, लेकिन सामने से जोम्बी आ जाता है और स्टीव डर जाता है और दोनों हंसने लग जाते हैं। लेकिन सामने से कोई सी आवाज़ आने लग जाती है और जोम्बी कहता है कि इधर चलो, कोई की आवाज़ है। लेकिन सामने यहाँ पर चूजे की आवाज़ आने लग जाती है और वो ऊपर देखते हुए उसको घोंसले के नीचे गिर गया है वो, तो वो उसको उठाने के लिए जाते हैं। लेकिन स्टीव थोड़ा डरा हुआ था इससे, तो वो जोम्बी यहाँ पर उसको माथे पर रखता है और जो स्टीव यहाँ पर ऊपर देखता है कहता है कि हाँ मैं ऊपर चढ़ाऊँगा, तो स्टीव हाथ देता है और जोम्बी उसके ऊपर चढ़ जाता है। जोम्बी ऊपर चढ़ने के बाद में यहाँ पर स्टीव के यहाँ पर रख देता है चूजे को, उस चूजे को रख देता है और दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं यहाँ पर और बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। और इधर से भी आवाज़ आ रही है और यहाँ पर स्टीव की मम्मी उसको पुकारती है कि आओ चलो, बहुत देर खेल लिया है चलो। और वो दोस्त उससे बाय बाय कहता है जोम्बी से, और जोम्बी बाय बाय कहता है और ये कहता है ये मेरा पक्का दोस्त है, और ऐसे हर दिन बीतता रहता है। एक दिन सुबह होती है और स्टीव का बच्चा यहाँ पर कुकी लेकर जाने लग जाता है इधर उधर, और उसने माँ से कुकी बना के यहाँ पर निकल लेता है और सामने यहाँ पर जोम्बी का बच्चा था। तो यहाँ पर दोनों बैठ जाते हो और स्टीव का बच्चा उसे कुकी देता है लेकिन जोम्बी नहीं लेता और उसका मीट खाने लग जाता है वो। तो यहाँ पर दोनों ही खुशी होकर अपनी अपनी चीज़ खाने लग जाते हैं और भाई स्टीव बहुत स्पीड में खा रहा था लेकिन एकदम से उसके गले में यहाँ पर अड़ जाता है कुकी। और सामने ये जैसे ही जोम्बी देखता है तो उसको बचाने के लिए उसको बहुत मारने लग जाता है पीठ पर, और उसके खाना बाहर निकालने रहा था, उसको बहुत ज़ोर से गड़ गया था उसका खाना। लेकिन सामने उसकी मदर देख लेती है, स्टीव की मम्मी देख लेती है कि किसकी आवाज़ आ रही है, और यहाँ पर वो देखती है कि मेरे बच्चों को यार ये जोम्बी किस लिए मार रहा है। तो स्टीव की मदर एकदम से बहुत तेज भाग के आती है और उसको साइड में करती है और जोम्बी के ऊपर चिल्लाने लग जाती है कि किस लिए मेरे बच्चों को ठोक रहे हो तुम, क्या कर लिया। तो जोम्बी यहाँ पर डर के भाग जाता है रो रुआ के, और सामने भी स्टीव भी यहाँ से निकल जाता है। और स्टीव की मम्मी उससे हर कुछ कहने लग जाती है, क्यों मार रहा था ये, इससे मत फिरा करो। लेकिन स्टीव यहाँ पर अपने में ही लगा था और दोनों ही रो रहे थे साथ में बैठ के बेस्ट फ्रेंड में। तो यहाँ पर अगले सुबह होती है और यहाँ पर स्टीव और स्टीव के पापा यहाँ पर जा रहे थे घूमने फिरने के लिए। लेकिन सामने यहाँ पर बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, विलेज में घूम रहे थे, यहाँ पर बाज़ार में जा रहे थे कुछ खाने पीने के लिए। लेकिन बगल से आती है यहाँ पर जोम्बी की सेना और ये जोम्बी का राजा होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इनको भगाने लग जाता है कि सबको कहता है कि जाओ इनको मारो, तुम्हारा सब खाना यहाँ पर है। और जोम्बी यहाँ विलेजर उन पर अटैक कर देते हैं और सामने स्टीव ये सब देख रहे थे तो जल्दी ये झाड़ी में छुप जाते हैं यहाँ पर और सब देखने लग जाते हैं। लेकिन सामने यहाँ पर स्टीव को बचाओ जोम्बी बचा एक अच्छा नहीं लग रहा था कि क्या कर रहा है, और ये स्टीव का राजा जोम्बी का राजा हो यहाँ पर विलेजर का हैंड खाने लग जाता है और वो जोम्बी को देता है लेकिन यार इस बेबी जोम्बी को मार देता है। फिर ये बेबी जोम्बी उसको खाने लग जाता है स्टीव विलेजर का हैंड को, और ये जब ये देखता है तो ये शौक में हो जाता है। और अगले सुबह ही जब होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर फुटबॉल ये खेल रहा था, बहुत गुस्से में लग रहा था क्योंकि यार ये इंसानों को खाने वाला था। और यहाँ पर जोम्बी आ जाता है सामने और कहता है हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये कुछ जवाब नहीं देता है और यहाँ से चल जाता है कि जाओ मेरी ज़िंदगी से, क्यों आ गए यहाँ से, और जल्दी से भाग जाता है आँख में आंसू लेके। और जोम्बी थोड़ा दुखी हो जाता है और जोम्बी भी निकल जाता है। रात हो जाती है और यहाँ पर स्टीव के घर के आ गई है जोम्बी, अब डेरा मारने रहे थे कि इनको सबको मारना है। लेकिन यार ये बेबी विलेज जोम्बी यहाँ पर राजा से कहता है कि नहीं यार मत मारो इनको, लेकिन राजा इसको आदेश दे देता है। और यहाँ पर सामने स्टीव और स्टीव की मम्मी खेल रहे थे, कुछ सामान बना रहे थे, और सामने यहाँ पर जोम्बी आ जाते हैं और जोम्बी के डर के मारे स्टीव की मम्मी उसको भगा देती है ऊपर, और स्टीव की मम्मी यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। सामने जोम्बियों का राजा यहाँ पर बहुत ज़ोर से हंसने लग जाता है और यहाँ पर बहुत ज़ोर से फाइट चालू हो जाती है यहाँ पर सामने। और जोम्बी विलेजर थोड़ा डरा हुआ था, यहाँ पर स्टीव थोड़ा डरा हुआ था और इधर से देखता है तो उसकी मम्मी को यार ये उठा के ले जा रहे थे
और यहाँ पर इसका फ्रेंड कुछ नहीं कर पा रहा था और ये थोड़ा रोने लग जाता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। उसकी मम्मी को यहाँ पर घिस के ले जाते हैं, लेकिन सामने गेट खुलता है और ये देखता है धीरे धीरे जाके कि कौन है यहाँ पर। तो वो देखता है तो उसके पापा यहाँ पर दिख जाते हैं और वो यहाँ पर जल्दी से भाग के निकल लेता है और कहता है कि यार ये मम्मी को यहाँ पर ज़ॉम्बी वालों उठा के ले गए, जल्दी से बचाओ। यहाँ पर स्टीव जल्दी से जाता है और चेस्ट खोलता है और इसमें से यहाँ पर अपने पूरे डायमंड का आर्मर में कवर हो जाता है और बहुत ज़ोर से गुस्से के मारे यहाँ से निकलने जाता है और अपने लास्ट बार बच्चों को देख कर यहाँ पर वो जाने लग जाता है और जल्दी से यहाँ पर विलेजर के ठिकाने पर चल जाता है, ज़ॉम्बी के ठिकाने पर। और यहाँ उसकी मम्मी को ले जा रहा था स्टीव की, यहाँ पर स्टीव बहुत गुस्सा में जा रहा था और यहाँ पर सबसे लड़ने लग जाता है। वो यहाँ पर हर एक ज़ॉम्बी को मारने लग जाता है, बीच से अलग कर देता है, सामने से ये कर देता है भाई, पूरे मार देता है। लेकिन साइड से एकदम से उसकी देखते हैं उसकी वाइफ, तो वो बहुत ज़ोर से रोने लग जाता है और वो आंसू बहाने लग जाता है। लेकिन सामने से इतने सारे स्केलेटन और ज़ॉम्बी आ जाते हैं और भाई अभी तक यहाँ पर स्टीव का बच्चा राह देख रहा था अपने मम्मी पापा के लिए, कब आएंगे फिर पापा मम्मी को लेकर। और भाई वो अभी सामने देखता है कि कौन तो आए हैं, लेकिन भाई जब वो देखता है तो सामने स्टीव बहुत घायल हो रहा होता है और उसकी मदर मर जाती है, यहाँ पर बच्चे की मदर मर जाती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही इसके इमोशनल चीज़ हो जाती है यहाँ पर, और स्टीव यहाँ पर मर जाता है। और यहाँ पर भाई बहुत चीख चीख कर रोने लग जाता है स्टीव का बच्चा। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जल्दी से कमेंट कर देना भाई, अच्छे से कमेंट कर देना नेक्स्ट पार्ट के लिए।